अल्लाहकम अब्रीवान क्या हाल है आप सब लोगों का आई होप कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और जी कैसी गुजरी आप सब की ईद हमारी तो अच्छे से गुज़र गई तो ये ईद का दूसरा दिन है तो ये देखिए मैं सुबह सुबह का ही वीडियो बना रही हूँ ये हमारे जो टमाटर हैं ये हमारे घर के टमाटर हैं ऑर्गेनिक फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटर हैं ये अभी मैं तोड़ के लाई हूँ ये तो देखें अभी और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो अभी कच्चे हैं और ये मैं वहाँ से तोड़ के लाई हूँ ये साइज़ देखिए अच्छा खासा साइज़ भी है इनका और इनको मैं अभी यूज़ करूँगी पनीर भुर्जी बनाने लगी हूँ तो उनमें मैं इनको यूज़ करूँगी तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं चलें जी आपको दिखाते हैं आए देखें तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज दो दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है गर्मी का इतना एहसास नहीं होता और धूप भी नहीं निकलती तो इसलिए आज मौसम हवा अच्छी थी मौसम भी अच्छा था तो आज स्कूल से आया उसके बाद फ़्रेश वगैरह होने के बाद उसको मैंने बताया कि चलो पार्क चलते हैं और वो भी बड़े दिन से कहीं जाना चाहता था तो इसलिए बच्चों की आउटिंग के लिए इनको मैं ले गई पार्क में आ, अलीशा थी मेरे साथ इनकी चाची आ, को कहा जाने के लिए लेकिन वो नहीं जा पाए क, आ, कुछ काम था घर पे इस वजह से वो नहीं निकल पाए तो फिर मैं अलीशा और दोनों बच्चे और फिर आगे आहद की बड़ी वाली फुफो थी उनके साथ जाना था तो ये देखें असद अपनी जगह पे जाके सेट हो गया है हमेशा ऐसे ही करता है पीछे जाके लेट जाता है और बहुत मस्ती करता है गाड़ी में ये तो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पूरे रमजान में हम कहीं नहीं गए और आज कहीं जा रहे हैं तो आहद और रसद बहुत खुश हैं जाने के लिए तो अब हम घर से निकल गए हैं यहाँ पर तो आज मैं वीडियो शूट नहीं कर रही आज मैं मेरी वीडियो अलीशा बना रही है थैंक यू अलीशा आपने मेरी मेरा ये ब्लॉग जो है शूट किया और अभी हम घर से निकल गए हैं सारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे देखिए आप तो धूप नहीं है अगर धूप होती तो फिर हम नहीं जाते इस टाइम पे घर से नहीं निकलते तो आके हमने वापस बच्चों को भी ये ट्यूशन देनी थी क्योंकि अलीशा भी ट्यूशन पढ़ाती है और मैं भी और सेम टाइम पे बच्चे आते हैं तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी गए और फिर जल्दी ही वापस आ गए थे और कहाँ गए ये आ, मुझे लगता है आप सब लोगों ने ये जगह देखी हुई है लेकिन चलो खैर जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें तो ये हमारे घर से थोड़ा ही दूर है कोई तीन तीन चार किलोमीटर हार्डली दस मिनट का रास्ता है यहाँ से तो हम वहाँ आराम से पहुँच गए ये दीदी की गाड़ी है पीछे जो आहत की बड़ी वाली फुफो है उनकी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी में है हम अपनी गाड़ी में हैं तो जी हम वहाँ पर पहुँच गए हैं ये हैं है बुज़ुर्ग का बेड़ा जो जगह बनी हुई है पहले थोड़ा सा एरिया बना था लेकिन अब थोड़ा और अच्छा हो गया और धीरे धीरे ये उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो क्या पहले इसी साइड था यहाँ पे था और अब आ, उसके लेफ्ट साइड भी हो गया मतलब अपोजिट में भी हो गया हुआ बन गया हुआ है काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने और मतलब आ, ट्रेडिशनली जो मंजियाँ लगाई हैं यहाँ पे ये यह देखें चारपाई जिसको बोलते हैं पंजाबी में मंजी बोलते हैं डोगरी में खाट बोलते हैं और मंजी भी बोलते हैं चारपाई भी बोलते हैं हिंदी में तो ये यहाँ पे इन्होंने लगाई है लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं और वो सामने जो है ये एक बिल्डिंग है इसके अंडरग्राउंड में बेसमेंट में बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फ़िलहाल पहले बाहर का देख लेते हैं ये सब जो साइड पर आप देख रहे हैं सब बैम्बू से बना हुआ है और ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं शाम को यहाँ पर गेम्स वगैरह होती हैं तो हमारा हम थोड़ा जल्दी आगे हुए थे अगर थोड़ा लेट आते तो सारी गेम्स हमें जो है देखने को मिलती लेकिन खैर देखते हैं कब तक हम यहाँ से निकलते हैं तो आइए हम आपको सारा दिखाएं यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे और ये मैं और आहद असल तो जब कहीं जाता है वो तो मेरे नज़दीक आता ही नहीं बिल्कुल तो ये देखिए ये क्या है स्टेप्स जो स्टापू खेलते थे वो है ये और बनाया हुआ है यहाँ पे और ये कुछ बच्चे बनाए हैं कि वो खेल रहे हैं कंचे खेल रहे हैं और तो ये देखिए यहाँ पे आ गए यहाँ पे भी कुछ बनेगा लेकिन जो भी बनाया है, बहुत अच्छा बना है अभी तक तो बहुत अच्छा है इससे अच्छा बनाएंगे और तो आहद ये देखिए असद इनको देख के हैरान हो गया कि ये असली है लेकिन हम देखिए टच कर रहे हैं उनको शुरू शुरू में तो बहुत डर रहा था लेकिन बाद में इसको पता चल गया कि ये असली नहीं है और कहीं जाते हैं तो असर तो बिल्कुल मेरे पास नहीं आता बस अपनी मस्ती में घूमता रहता है ये इधर उधर तो ये इनको पहले देख रहा है कि असली है या क्या है उसके बाद ये देखें कुछ यहाँ पे लोगों को बिठाया हुआ है जैसे गांव में बैठते थे पेड़ के नीचे लोग मतलब अपनी डिस्कशन वगैरह करने के लिए गांव के लोग बैठते थे वैसा कुछ दर्शाया हुआ है यहाँ पे तो ये सब जो है ये बैम्बू से बनाया हुआ है यहाँ पे और ये मेरा सूट ईद वाला ही पहना है मैंने तो ये जो मैं आपको कह रही थी अंडरग्राउंड जो बेसमेंट में रेस्टोन है ये बहुत अच्छा है इसका भी ये इन्होंने अभी चलाया नहीं है अभी ये रनिंग नहीं है अभी इसका मेन्यू नहीं रेडी हुआ है कुछ ऐसे बता रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि आप अंदर जा वीडियो बना लो तो उन्होंने हमें वीडियो बनाने दी तो ये काफ़ी अच्छा था यहाँ पर फ़ैमिली रेस्टोरेंट है तो आ, बहुत अच्छा था हमें बड़ा पसंद आया उसके बाद ये देखिए असद बस मस्ती मस, आ, पंगे इधर उधर घूमना इसका यही चल रहा था खुली हवा चल रही थी और खुला एरिया था तो असद बहुत एंजॉय कर रहा था और ये बनाया है जी कुआं जो और दो औरतें बनाई हैं कि वो पानी भर रही हैं पहले पहले जैसा हुआ करता था वैसा दिखाया है तो उसके बाद हमने कुछ खा लिया सब ने कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से खाया है ये है स्प्रिंग रोल्स और ये सब खा रहे हैं हम तो खाने पीने के बाद तो खाने पीने के बाद आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे क्या है और ये देखें शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पे ये फाउंटेन जो है ये शाम को स्टार्ट हो जाता है तो करीब साढ़े साढ़े चार के करीब ये जो है स्टार्ट कर देते हैं ये क्योंकि फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं और रात को और शाम को काफ़ी रश होता है बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर तो ये शाम के टाइम ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं ये देखें गेम्स भी चल यहाँ पे इन्होंने लगा दी हुई है स्टार्ट कर दिया हुआ अपना काम जो ये करते हैं इस टाइम पे तो बच्चों की एक छोटी सी आउटिंग के लिए ये बहुत अच्छी जगह है हमारे घर के पास ही है जब मन किया तो निकल गए तो ये देखिए इसके ऑपोजिट में पहले यहाँ पे ये था और ये जो मैं जहाँ से अभी निकली हूँ ये बाद में बना है पहले सबसे पहले यही था तो यहाँ पे ये देखिए कबूतर रखे हुए हैं स्टार्टिंग में ही गेट के शुरुआत में ही इन्होंने कबूतर रखे हैं और ये देखिए यहाँ पे दादाजी ने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ है और ये छोटी सी कैंटीन है यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे दो लड़कियां जो हैं बैठी हुई हैं और इसके अंदर भी एक चीज़ है ये देखें मम्मी जो है बच्चों की माँ खाना बना रही है और बच्चे पास खेल रहे हैं ऐसा ही हुआ करता था पहले पहले कि माँ जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी और बच्चे पास में खेलते थे बस वही जो है शो किया है यहाँ पे तो यहाँ पे पहले चकोर वगैरह थे और मोर थे लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ हैं अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ uh, क्या बोलते हैं उसको कॉक्स हैं मुर्गियाँ हैं और uh, मुर्गे हैं डिफरेंट टाइप्स के तो uh, यहाँ पे ये देखें ये है uh, शायद से टर्की हाँ ये टर्की है और आहद इसको टच कर रहा है लेकिन अंदर से नेट लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे रैबिट हैं असद और अहद को बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और आहद अ, असद कह रहा था ममा लॉक खोलो मुझे अंदर जाना है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये रैबिट्स थे यहाँ पे और आ, असद ये देखिए लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर लेकिन लॉक खुलेगा नहीं और चलें आगे चलते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और अभी यहाँ पे इस इस साइड कोई नहीं है उस साइड फिर थोड़े से लोग हैं लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया अभी तो धीरे धीरे शाम को लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है शाम के टाइम तो आज की रेसिपी ऑफ द डे में क्या है बिरयानी तो चलें स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना और बहुत सिंपल सी बिरयानी बनाऊंगी सिंपल भी नहीं है थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी है और चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है एक किलो चिकन और उसको हम करेंगे मैरिनेट इसमें मैं डालूंगी दही एक कप के करीब दही डाल लें फिर उसके बाद गरम मसाला धनिया पाउडर जीरा पाउडर जाएगा इसमें और चाट मसाला जाएगा और लाल मिर्च का पाउडर और नमक और उसके बाद दो पैकेट मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था क्योंकि आ, मेरे पास टाइम नहीं था इतना और उसके बाद मैंने डालना है फ्राइड अनियन और इनको करेंगे हम मिक्स अच्छे से जिन आ, थोड़ा सा फूड कलर डाला और ये देखिए फूड कलर मेरा जो है एकदम बेकार सा है तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना और मैंने चिकन को मैरिनेट करके साइड पे रख दिया है अब मैं डालूँगी यहाँ पे काले मिर्च और लौंग दालचीनी और लाल मिर्च और तेज़ पत्ता हो वो भी डाल दें थोड़े से घी में इनको रोस्ट करने के बाद मैंने चावल डाल लिए हैं आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल डालें और इनको खुले पानी में पकाना है और देखें चावल को हमने पकाना है ऑलमोस्ट चावल जो है हमारा नाइन्टी परसेंट पका होना चाहिए और मैंने उसको पका लिया है उसके बाद चिकन भी हमारा मैरिनेट हो आ, मतलब काफ़ी देर से पड़ा था मैरिनेशन में अभी मैंने इसके साइड्स पर ऑयल डाला है और इसको मैं बिल्कुल स्लो पे पकने के लिए छोड़ दूँगी और चिकन जो है अपने ही जूस में अपने नहीं पानी में पकना शुरू हो जाएगा तो ये देखें बिरयानी सॉरी ये जो चिकन है ये काफ़ी कोई दस मिनट भी दस पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसको देखा है तो इसका सारा पानी जो है ड्राई हो गया था और ये ऑयल जो है ये सेपरेट हो गया था उसके बाद चलें जी हम अपनी बिरयानी को करते हैं आ, लेयरिंग करते हैं इसकी मैंने सेम पतीला लिया है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और उसके बाद मैंने चावल की एक लेयर डाली है उसके बाद उसमें डाला है मैंने आ, फ्राइड अनियन धनिया और ये देखिए टमाटर के स्लाइसेस और एक शिमला मिर्च और ये जो शिमला मिर्च है इसका मतलब इसकी जो अरोमा आता है ना चावलों के अंदर बहुत बहुत मज़े का लगता है तो उसके बाद लेमन के कुछ स्लाइसेस और थोड़ा सा रेड फूड कलर और ये मेरा रेड फूड कलर इतना ज़्यादा बेकार है कि मैं आपको क्या बताऊँ रेड है ही नहीं ये कुछ अजीब सा रेड पिंकिश रेड है कुछ उसके बाद मैंने ग्रीन कलर डाल लिया था और और उसके बाद हमारा जो चिकन है उसका उस वो डाल लूँगी मैं तो उसके बाद चाहिए एक और लेयर सेम प्रोसेस को हमने दोबारा से रिपीट करना है और उसको मैं रख दूँगी दम पे और ये हमारी बिरयानी बनके हो गई है रेडी दस मिनट का दम दें और बिरयानी एकदम रेडी है आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलें ज़रूर सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें और नई वीडियो तक के लिए वेट करें अब नई वीडियो में मिलेंगे इन और दुआओं में हमें याद रखें और अब खुश रहें आबाद रहें अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें अपना